अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ईद बहुत अच्छे से इन्जॉय की होगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। और मैं अपने घर, अपनी मामा के घर जा रही थी। मेरा मायका ससुराल दोनों डीजी खान हैं, तो हम वहीं जा रहे थे ईद के लिए, क्योंकि सब वहीं होते हैं, गेट टुगेदर हो जाते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत इन्जॉय करते हैं। गर्मी तो थी लेकिन मज़ा बहुत आया, सबके साथ हल्ला गुला किया, बहुत अच्छे से ईद इन्जॉय की। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी रही। खैर, सफ़र तो बहुत लेंथी और थका देने वाला होता है, बहुत थक जाते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत होती है जाने की। तो थकावट की तो कोई बात ही, हम लोग चाय शाय पी के ना थकावट को बाय बाय बोल देते हैं। आइए तो चलते हैं, आपको बकरा मंडी भी दिखा देते हैं रास्ते में, क्या याद करेंगे, कैसा व्लॉग है ना। तो बकरा तो खैर हमने भी लेना था तो यहीं से हमने पसंद कर लिया। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े से बकरे हैं। और ये मंडी थी, काफ़ी बड़ी थी। खैर मैंने ज़्यादा तो नहीं शूट किया क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती वीडियो, और जाहिर सी बात है बड़ी वीडियो होती तो आप लोग बोर भी हो जाते। तो बस ये थोड़ा सा देख के इन्जॉय कर लें। ये देखिए इतने बड़े बड़े प्यारे से बकरे हैं। और बुराक और नबिया ने तो बहुत इन्जॉय किया। खैर जो लोग मंडी नहीं जा सकते कि नहीं देखते बकरों की मंडी कैसी होती है तो वो देख लें इस वीडियो में, ऐसी होती है, कोई ख़ास नहीं होती। सो, ये देखें, हमने भी बकरा ले लिया था और ये बड़ा चलाक बकरा था। पता है क्या, नबिया और बुराक से ना इसकी बड़ी अच्छे से दोस्ती होगी। जब बिया और बुराक इसके पास होते थे तो ये खामोशी से उनके साथ खेलता था, चुप किए बैठा रहता था। वो जैसे ही बच्चे अंदर आते थे, ज़रा सा इधर उधर होते थे तो इसने शोर डालना शुरू कर देना था। तो सबसे मेन चीज़ जो कि ईद के दिन की थी रिकॉर्डिंग, वो तो मैंने की ही नहीं, मैं भूल गई, क्योंकि गर्मी भी थी और मैंने ससुराल जाना था। बस जल्दी जल्दी में तैयारी की और सब वहीं गए। वहाँ इतना हमने इन्जॉय किया कि कुछ भी याद नहीं रहा, ना मेहंदी रिकॉर्ड करनी याद रही ना कुछ और। सो, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। फिर हमने गाँव के लिए भी रवाना होना था क्योंकि वहाँ पर मेरे सास ससुर का घर भी है, तो शहर में भी है गाँव में भी है, तो हम सब गाँव के लिए चले गए। अब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यह घर पीछे देख ही सकते हैं, ये घर किसका है, ये मेरे बाबा का घर था। और जब मेरे बाबा पैदा हुए थे तब से लेकर वन क्लास तक, बाबा जब बाबा वन या टू क्लास में थे तब तक बाबा इस घर में रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं ये घर कितना ब्यूटीफुल है। सो, ये घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। चलो आगे चल के देखते हैं आगे क्या क्या है। चलें जी, आपको अब हम शॉर्ट सा व्यू दिखाते हैं। ऊपर से, ऊपर छत से ना पूरा मतलब गांव नज़र आता है। तो माना हम दानी की साइड पे है ये गांव, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये लाइफ भी बहुत अच्छी है, मतलब इंजॉय करने वाली है ना गांव की लाइफ ना। तो देखिए नेचर कितना खूबसूरत व्यू है। तो हमने तो अपनी ईद इसी तरह इन्जॉय की, गांव में भी सबसे मिले और बस शॉर्ट टाइम के लिए ही गए थे, लेकिन सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। आई होप आपको ये व्यू बहुत पसंद आया होगा, हमने तो बहुत इन्जॉय किया। और बच्चों ने ये देखे बर्फ़ में पता नहीं क्या क्या ऐड करके इन्होंने खाना शुरू कर दिया कि गर्मी है और हमने ये खाना है। चलो मैंने कहा इन्जॉय कर लो तो खाया इन्होंने। और ये नबीहा ने कैप्चर की थी कि मामा देखें गाँव में ना इस तरह से खाना पकता है लकड़ियों पर। नबीहा फर्स्ट टाइम देख रही थी इसलिए उसने रिकॉर्ड की। चलो मैंने कहा इन्जॉय कर लें। बस रात बहुत हो गई थी और मौसम भी ख़राब लग रहा था, आंधी बारिश के आसार लग रहे थे। तो बस हमने बस शॉर्टली सा थोड़ा सा खाना खाया और बस निकलने की वहाँ से। जी तो कुछ
ये मेरा बहुत ज्यादा नॉटी नॉटी कजन है। अपना नाम तो बताओ। नाम क्या है? नाम बताओ। अफान। अफान? अफान। जफान। जफान। बग। सो ये मेरे सबसे बड़े कजन। सो बस अंधेरा बहुत हो गया था तो सही से कुछ नज़र नहीं आ रहा था और बस हमने निकलने की तो रास्ते में हमें आंधी तेज़ हवा ने भी हमसे मुलाकात कर ली। तो ये ऐसे इतना डरावना सा रोड लग रहा था और हमने इतनी मज़े मज़े की स्टोरीज़ बनाई, हॉरर स्टोरीज़ कि रास्ते में कोई मिल जाएगा, कोई चुड़ैल मिल जाएगी हमें और इस तरह से ना। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। हम कैसे खौफनाक रास्ते पे जा रहे हैं। मम्मा डांसिंग लेडी आ सकती है। कोई स्टोरी डाले। डांसिंग लेडी आ सकती है सच में। छुरी उठा के वो कोने मत। वो फिर नहीं चुड़ैल है? नहीं मम्मा, डांस सारे वो सबसे पहले चाइना में देखा था, वहाँ पे ना एक लड़की डांस कर रही थी। अपने घर चले जाते हैं। बहावलपुर की तरफ हम रवाना हुए तो ये मुल्तान के करीब हमें हमसे बारिश ने मुलाकात कर ली। इतनी तेज बारिश थी कि बस दिल खुश हो गया। हम समझ रहे थे कि बहावलपुर में भी ऐसी ही बारिश होगी और कुछ गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन बस हमें क्या मालूम था कि ये बारिश सिर्फ रास्ते में ही मिलेगी। बहावलपुर में कोई नामो निशान ही नहीं था, बादल ही नहीं थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, इंजॉय किया होगा आपने। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।